एंड जब आप इन तीनों चार्ट को देखोगे ना, फिर उसके बाद क्या करना, आप अपनी आंख बंद करना एंड देन फिर इमेजिन करना कि ये ट्राइसेप्स है। यस, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, दिस इज अटैच्ड टू इंफ्राग्लेनुलर ट्यूबरकल, एंड इसका लेटरल हेड और मीडियल हेड। हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एंड मैटर। एंड देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे और वो मुझसे बोल रहे थे कि सर, हमें मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है, हम आज याद कर रहे हैं, 4-7 दिन बाद भूल गए कि क्या उनका ओरिजिन इंसर्शन है। ओके, तो इस वीडियो में हम सारी इसी की बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे लिए मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन बिल्कुल ही सिंपल हो जाए। ओके, और देखिए, सॉल्यूशन को बताने से पहले कि कैसे आपको ओरिजिन इंसर्शन याद करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आपको अब से ओरिजिन और इंसर्शन ये दो वर्ड यूज नहीं करने हैं। अब से आप क्या बोलोगे, अब से आपको बोलना है कि मुझे क्या याद करने हैं, मुझे याद करने हैं मसल्स के अटैचमेंट। लाइक मैं एग्जांपल देके समझाऊं, लाइक हमें बाइसेप्स बेकाई पढ़नी है, तो मुझे क्या याद करने हैं, बाइसेप्स बेकाई के ऊपर वाले अटैचमेंट, बाइसेप्स बेकाई के अपर एंड के अटैचमेंट एंड बाइसेप्स बेकाई के नीचे वाले या फिर लोअर एंड के अटैचमेंट, ऐसा मुझे बोलना है। मुझे न्यू नहीं बोलना या फिर हमें ऐसा नहीं बोलना कि बाइसेप्स बेकाई का ओरिजिन क्या है, बाइसेप्स बेकाई का इंसर्शन क्या है। लाइक आपको ट्राइसेप्स ब्रेकाई पढ़नी है, तो आप कैसे पढ़ोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ट्राइसेप्स ब्रेकाई ऊपर की साइड कहाँ अटैच है और ट्राइसेप्स ब्रेकाई नीचे की साइड कहाँ अटैच है। ओके, ऐसा बोलना है आपको। आप कभी भी यूं मत बोलना कि ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन क्या है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई का इंसर्शन क्या है। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना कि ओरिजिन इंसर्शन मत बोलना, इन दोनों वर्ड की जगह अटैचमेंट वर्ड यूज करना, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ओरिजिन इंसर्शन को लेके कोई भी मसल पढ़ोगे ना, मसल के अटैचमेंट पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, आपके दिमाग की जो वर्किंग प्रोसेस है वो एक स्टेप बढ़ जाएगी। क्योंकि यार, अभी मैं क्या याद कर रहा हूँ, ओरिजिन इंसर्शन, तो यार ऑफकोर्स आपके दिमाग की वर्किंग प्रोसेस बढ़ गई ना, आपको हर मसल के लिए एक चीज और ज्यादा याद करनी पड़ रही है कि क्या ओरिजिन है, क्या इंसर्शन है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ कि ओनली अटैचमेंट बोलना है दोनों की जगह, ओरिजिन इंसर्शन की जगह, तो आपके दिमाग में एक स्टेप कम हो गया, मतलब आपके दिमाग की वर्किंग प्रोसेस एक स्टेप कम हो गई। आपके दिमाग में बस क्या है कि मुझे पढ़ने हैं मसल के अटैचमेंट, कि बाइसेप्स ब्रेकाई ऊपर की साइड किस बोनी स्ट्रक्चर से अटैच है, किस बोन से अटैच है, बाइसेप्स ब्रेकाई नीचे की साइड किस बोन से अटैच है। ओके, हाँ, तो ये सारा का सारा हो गया। एंड अब आते हैं मेन सॉल्यूशन पर कि हमें क्या करना है मसल्स के अटैचमेंट को पढ़ने के लिए। तो देखिए, मसल्स के अटैचमेंट को बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ना है ना, तो बस आपको एक काम करना है और वो है बोन के चार्ट, या फिर बोल दीजिए बोन्स को पढ़ना। लाइक आपके आपको अगर अपर लिम की मसल पढ़नी है, तो आप क्या बनाओ सबसे पहले, या फिर आप सबसे पहले क्या पढ़ो, आप अपर लिम की सारी बोन्स पढ़ो। डायरेक्ट आप मसल मत पढ़ो, डायरेक्ट सेपरेट मसल को पिकअप मत करो कि ये मसल ऊपर की साइड कहाँ अटैच है, ये मसल नीचे की साइड कहाँ अटैच है। क्योंकि यार, अगर आप मसल को लेके पढ़ोगे ना, तो वही आपकी जो प्रोसेसिंग है दिमाग की, मतलब आप एक टाइप से गलत वे में पढ़ रहे हो एनाटॉमी। अगर आप गलत वे में पढ़ोगे तो यार ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम तो आनी है ही। तो वहीं आप पहले सेपरेट मसल्स के अटैचमेंट मत पढ़ो, सबसे पहले आप क्या पढ़ो, आप अगर आपको अपर लिम की मसल पढ़नी है, तो अपर लिम की सारी बोन्स पढ़ो। देखिए, एक बोन मत पढ़ना, सारी बोन पढ़ना, तभी आप मेरी बात को ढंग से कोरिलेट कर पाओगे। अब वो कैसे, लाइक आप अपर लिम में क्या पढ़ते हो, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, सबसे पहले आप इन सारी बोन्स को पढ़ो जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। एंड अगर आप हमारी वीडियो देख के इन बोन्स को पढ़ोगे, तो आपके लिए जो वर्किंग प्रोसेस है, आपके दिमाग, आपकी जो स्पीड है पढ़ने की, वो नियर अबाउट 3-4 गुना हो जाएगी। वो कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर बोन्स भी रख रखी है, क्लेविकल है नहीं हमारे पास, स्कैपुला, इस रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, तो हमने ईच बोन का सेपरेट 1-पेज चार्ट बना रखा है, मतलब ईच बोन को एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये 4 बोन हो गई, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो इनके हमारे पास 4 चार्ट है। कौन से, दिस इज अवर स्कैपुला चार्ट, दिस इज अवर ह्यूमरस चार्ट, दिस इज अवर रेडियस चार्ट एंड दिस इज अवर अल्ना चार्ट। तो देखिए, ईच बोन को हमने एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहीं अगर आपको कोई भी मसल के अटैचमेंट पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप उस एक्सट्रीमिटी की सारी बोन पढ़िए। लाइक आपको अगर अपर लिम के मसल्स के अटैचमेंट पढ़ने हैं, तो अपर लिम की सारी बोन पढ़िए। लोअर लिम की मसल्स के अटैचमेंट पढ़ने हैं, तो क्या पढ़िए, सबसे पहले आप पढ़िए बोन्स, और बोन्स को कैसे पढ़ना है, ईच बोन वन चार्ट के अंदर। क्योंकि यार, अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपके लिए चीज़ें और भी ज़रा सिंपल हो जाएंगी। और देखिए, आप इन चार्ट्स को, जो मैंने आपको चार्ट दिखाए, आप इन चार्ट को 2 तरीके से यूज कर सकते हो। वो कैसे, सबसे पहला यूज है इन चार्ट का, अगर आपको बोन पढ़नी है, मतलब इस लेवल स्केपला 1-पेज चार्ट, मतलब कि अगर आपको ओनली स्केपला ही पढ़नी है, तो आप ऑफकोर्स इस एक पेज के अंदर पूरी स्केपला को हमने 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि ये किस साइड की बोन है, इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या हैं, और इसके साइड डिटर्मिनेशन क्या, इसके अटैचमेंट क्या क्या है। क्या हुआ, साइड डिटर्मिनेशन,
एक्सटर्नल फीचर्स और इसके अटैचमेंट। तो ये तीनों पॉइंट के अंदर हमने ईच बोन को इस एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहीं आप इस चार्ट को दो तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या होगा कि आपको अगर सेपरेट बोन पढ़नी है तो आप इस चार्ट को पढ़ सकते हो, मतलब ईच बोन के लिए वन चार्ट। एंड सेकेंड यूज क्या है इस चार्ट का, सेकेंड यूज है मसल्स के अटैचमेंट के लिए। लाइक आपको अगर सेपरेट मसल पढ़नी है तो तब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, तब आपको हमारे एक से ज़्यादा चार्ट की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, लाइक आपको बाइसेप्स का अटैचमेंट पढ़ना है तो आप बाइसेप्स का अटैचमेंट कैसे पढ़ोगे, बाइसेप्स ऊपर की साइड दिस इज अटैच टू सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल, मतलब ये कहाँ पे होता है, स्कैपुला के पास। मतलब मुझे बाइसेप्स का अटैचमेंट पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी स्कैपुला की। एंड बाइसेप्स ब्रेकाई नीचे की साइड कहाँ अटैच होती है, हमारी रेडियस से। तो ऑफकोर्स मुझे सेकेंड टाइम किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी रेडियस के चार्ट की। क्योंकि यार मैंने बोला ना बोन्स चार्ट दीज आर बेसिक्स, मैं आपको हर वीडियो में, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि बोन्स को कैसे पढ़े एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर आपने ये बोन्स के चार्ट बना लिए ना तो इनका लाइफ लॉन्ग बेनिफिट है आपका, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब आपने अगर फर्स्ट ईयर में चार्ट बना लिए तो पूरी MBBS आपकी एकदम शांति से कटेगी, आपको बोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए और इन चार्ट के इतने ज़्यादा बेनिफिट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन चार्ट के, जब आप इन चार्ट को बनाओगे ना तो आपकी बोन तो कंप्लीट होगी ही, उसके साथ मैंने बोला कि आप सेपरेट मसल्स के अटैचमेंट को भी एकदम सही वे में समझ सकोगे। उसी के साथ साथ जब आप पढ़ोगे ना जॉइंट्स, लाइक शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नीचे क्या पढ़ते हो, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, तो आपके लिए ये चार जॉइंट में भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। उसके साथ जब आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में ऑर्थोपेडिक्स, तब तो पूछो ही मत, तब आपको दोबारा बोन्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर जिस बंदे ने चार्ट बना लिए तो उसको ऑर्थोपेडिक्स में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ओवरऑल ये चार्ट बेसिक है, मैं आपको हर वीडियो में सजेस्ट भी करता हूँ कि इन चार्ट को बनाइए। मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, 2-3 घंटे लग सकते हैं एक चार्ट को बनाने में, बट दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड सारे चार्ट आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे TCML ऐप पर। अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से TCML ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारा ऐप बिल्कुल फ्री है, वीडियो प्लस नोट्स सारे के सारे बिल्कुल फ्री है TCML ऐप के अंदर। ओके, बस हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, शेयर वेयर कर दिया करो यार वीडियो को, ताकि आपको, ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। एंड देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये चार्ट कैसे बेनिफिट करेंगे सेपरेट मसल के अटैचमेंट में। मैंने बाइसेप्स का दे दिया, अब आते हैं ट्राइसेप्स पर। देखिए ट्राइसेप्स मसल ऊपर की साइड कहाँ अटैच होती है, ये अटैच होती है हमारे इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से, यानी कि स्कैपुला के इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से। मतलब जब आपको ट्राइसेप्स का अटैचमेंट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी हमारे स्कैपुला के वन पेज चार्ट की, क्योंकि स्कैपुला पर दिस इज अटैच टू इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल। एंड हमारी ट्राइसेप्स ह्यूमरस में भी अटैच होती है, कहाँ पर, ह्यूमरस की शाफ्ट से। तो सेकेंड चार्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, मतलब ट्राइसेप्स के अटैचमेंट में हमें सेकंड जरूरत पड़ेगी ह्यूमरस के चार्ट की। तो ऊपर की साइड दो जगह से अटैच हो गई, स्कैपुला से एंड ह्यूमरस से। एंड नीचे की साइड हमारी ट्राइसेप्स किससे अटैच होती है, हमारी ट्राइसेप्स नीचे की साइड अटैच होती है ओलेकैनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना से। तो थर्ड टाइम हमें जरूरत पड़ेगी अल्ना के वन पेज चार्ट की। ओके, मैंने बोला ना, ओके, तो इन तीन चार्ट के अंदर आपकी पूरी ट्राइसेप्स के अटैचमेंट बिल्कुल सिंपल हैं। एंड जब आप इन तीनों चार्ट को देखोगे ना, फिर उसके बाद क्या करना, आप अपनी आंख बंद करना एंड देन फिर इमेजिन करना कि ये ट्राइसेप्स है, यस ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड दिस इज अटैच टू इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल, एंड इसका लेटरल हेड और मीडियल हेड दिस इज अटैच टू ह्यूमरस की शाफ्ट, एंड जो हमारे ट्राइसेप्स है उसका लोअर एंड ये अटैच होता है ओलेकैनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना की सुपीरियर सरफेस से। तो देखिए आपके दिमाग में ना एकदम इमेज आएगी किसकी, ट्राइसेप्स की एकदम इमेज आएगी। ओके, देखिए मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन यूँ है कि जो आउटपुट निकलेगा ना वो एकदम चौंका देने वाला होगा। ओके, तो वही मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे इन बोन्स के, ईच बोन वन चार्ट के दो मेन बेनिफिट हैं। वो ये कि सबसे पहले आप इन चार्ट का यूज कर सकते हो सेपरेट बोन के लिए, सॉरी स्कैपुला वाला है, मतलब आपको अगर स्कैपुला पढ़नी है तो इस एक पेज के अंदर पूरी स्कैपुला है, पूरी स्कैपुला का साइड डिटरमिनेशन, पूरी स्कैपुला का एक्सटर्नल फीचर्स और पूरी स्कैपुला के अटैचमेंट। लाइक आपको ह्यूमरस पढ़नी है तो इस एक पेज के अंदर पूरी ह्यूमरस कवर है। ओके, तो ये हो गया हमारे वन पेज चार्ट का पहला यूज कि आप बोन पढ़ने में इनका यूज कर सकते हो। एंड सेकंड यूज क्या हो गया, अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको सेपरेट मसल का अटैचमेंट पढ़ना है तो आपको जरूरत पड़ेगी हमारे मल्टीपल चार्ट्स की। लाइक आपको बाइसेप्स ब्रेकाई का अटैचमेंट पढ़ना है तो आपको जरूरत पड़ेगी दो चार्ट की। दो चार्ट कौन से, सबसे पहले हमारे स्कैपुला के, सॉरी सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्कैपुला के चार्ट की बाइसेप्स ब्रेकाई के अटैचमेंट में, एंड दूसरी बार आपको जरूरत पड़ेगी हमारे रेडियस के चार्ट की। लाइक आपको अगर ट्राइसेप्स ब्रेकाई का अटैचमेंट पढ़ना है तो तीन चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तीन चार्ट कौन से, स्कैपुला का चार्ट, देन ह्यूमरस का चार्ट, देन अल्ना का चार्ट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए जैसे जैसे आप एनाटॉमी को धीरे धीरे कवर करोगे ना, लाइक आपने अपर लिंब पढ़ लिया, लोअर लिंब पढ़ लिया, थोरैक्स पढ़ लिया, एब्डोमेन पढ़ लिया, तो आप फिर अपने आप समझ जाओगे कि यार मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ओके, एंड यार अगर वीडियो में दम लगाऊँ ना आपको, आपको लगाऊँ कि हाँ यार सर मजा आ गया, तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर जाना। एंड यार आपके जो भी सजेशन हो ना कि सर नेक्स्ट वीडियो इस पर आनी चाहिए,
आप एकदम बेफिक्र होके, एकदम टेंशन फ्री होके हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। एंड अब भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो ना इस वीडियो से रिलेटेड और टीसीएमएल और एनमेटर की कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं कि सर मुझे अब भी समझ नहीं आया। ओके, एंड जो भी आपका कमेंट होगा उसके हिसाब से फिर हम आपको रिप्लाई देंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाय।